बिल्कुल ठीक नहीं हूँ जी। हाँ, घर में कोई भी ठीक नहीं है। लेकिन क्यों प्रीतु जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या प्रीतु जी? आज वो राजवीर आपके घर गया था। राजवीर मेरे घर गया था? लेकिन क्यों? आपकी मम्मी और पापा जी से बात कर। घर में बहुत टेंशन बढ़ गई है ध्रुव जी। ईशु जी का तो रो रो के बुरा हाल है। प्रीतु जी, ईशु का है? आप मेरी उससे बात करवाएं। मैं देती हूँ। हेलो ईशु, ईशु देखो देखो रो मत, बताओ हुआ क्या है? ध्रुव, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं आपकी मम्मी ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो। ईशु, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पहले तुम ये रोना बंद करो और सुनो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें और मुझे अलग कर दे। हाँ? अब तुम रोगी नहीं, मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। ओके ओके बाय। सब ठीक है ना? ध्रुव को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस रिश्ते से नाखुश हैं। उसकी नजरों में अच्छा रहकर हमें उसे इश्मीत की नजरों से दूर करना होगा और उसके लिए रोका करना जरूरी है। और इस रोके के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो लोग खुद ही तंग आकर ये शादी तोड़ देंगे। ध्रुव के घर वाले इतने बड़े लोग हैं कि वो इश्मीत के फैमिली के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, और इश्मीत के घर वाले इतने सीधे हैं कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। चाहता क्या है तू राजवीर? हाँ, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर, उसकी फैमिली ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उन्हें खुश नहीं देख सकता? अरे पहले तूने बीजी की बेइज्जती करी और अब इतनी गिरी हुई हरकत। राजवीर, मैं जानता हूं, मैं जानता हूँ कि तुझे प्यार पर विश्वास नहीं है, नफरत करता है तू रिश्तों से, लेकिन ये नफरत अपने आप तक रख। दूसरों की जिंदगी में घोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी तुझे कि मॉम के पास जाकर ईश्वर उसकी फैमिली की बुराई करने की? जवाब दे मुझे, क्या जरूरत थी? तू मुझे कुछ बोलने का मौका देगा तब बताऊंगा ना। मौका? मैं तुझे मौका दूं और तू मुझे धोखा दिए जा? राजवीर, मैं नहीं जानता कि तू ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। ईशु और मेरा रिश्ता नहीं टूटने दूंगा मैं। अरे तेरी हर प्रॉब्लम में मैं तेरे साथ रहा, और आज जब मेरी जिंदगी में खुशी आ रही है तो तू उसे बर्बाद कर देना चाहता है। एक बात कहूं राजवीर, आज मुझे ना शर्म आ रही है तुझे दोस्त बोलने में। अरे मुझे छोड़, तूने तो प्रीतु जी और उनकी फैमिली तक को नहीं छोड़ा। राजवीर, इतने सीधे साधे लोग हैं, उनके साथ तूने वो किया कि? ध्रुव, वो सीधे साधे लोग हैं, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया है। ओह रियली? अच्छा सोचा तूने राजवीर, बहुत अच्छा सोचा। लेकिन ऐसा सोचने से पहले तुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि ईशु की फैमिली पर क्या बीतेगी? अरे कितने खुश हैं वो लोग, मेरी मॉम कितनी खुश है, मेरी फैमिली कितनी खुश है शादी से। अरे मेरी मॉम ने तो शादी की तैयारियां तक शुरू कर दी, वो कितनी एक्साइटेड है शादी को लेके, उन्होंने तो सपना तक बना लिया ईशु को अपने घर लाने का। और तूने तूने एक बार नहीं सोचा कि तेरी इस हरकत की वजह से दोनों फैमिलीज के सपने टूट जाएंगे, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। राजवीर देख, ध्रुव तू अभी बहुत गुस्से में है, मैं आराम से बैठ तुझे समझाता हूँ। आज मैं तुझसे बात करने नहीं, तुझे समझाने आया हूँ राजवीर। अगर मेरा और इश्मीत का रिश्ता टूटा या उसमें कोई भी दरार आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा राजवीर, एंड आई मीन इट। एक बार मेरी बात सुन लिया था तू? Thank you.
चुप हो जा मेरी बच्ची। पता नहीं क्यों हम लोगों को पहचानने में इतने गलत हो जाते। पहले वो पॉपी से, अब राजबीर। पॉपी के वक्त ना इतना दुख नहीं हुआ था, पर राजबीर को तो प्रीतम, मैंने अपने हाथों से उसे रोटी खिलाई है। प्रीतम इस परिवार का हिस्सा बन गया था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी बेइज्जती करी मैंने, कुछ नहीं कुछ। लेकिन अगर उसकी वजह से यीशु का रिश्ता टूटा ना, तो कभी माफ नहीं करूंगी उसे, कभी नहीं। एक माँ की हाय लगेगी उसे। क्यों ऐसा कर रहे हो? यीशु जी प्लीज चुप हो जाओ। विजय देखो, आप अपने आप को संभालो। आप ऐसे करोगे तो यीशु जी को कौन संभालेगा? देखो वो नीलम आंटी ना राजवीर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। सच में रब करे ऐसे ही हो। एक बार बैजी को फोन करके बात करो। फिर वही बात? क्यों करनी है बीजी बात? आप मुझे बताओ, मुझे किस लिए सफाई देनी है? क्यों फोन करना है? हमारी कोई गलती है जो हम सफाइयाँ देंगे उन्हें? बोलो। बीजी सफाइयाँ वो देते हैं जिनकी गलती होती है, और हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। जब तक वो आगे से बात नहीं करेंगे ना, हमने कोई बात नहीं करनी उन लोगों से। रूप जी ने बोला है यीशु दी को कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो सब ठीक कर लेंगे बीजी, बस आप टेंशन ना लो। हाँ पुत्र, अब तो बस ध्रुव पर ही भरोसा है। बीजी पापा जी से कुछ मत कहना अभी, उन बेचारों की वैसी तबीयत खराब रहती है, सुनेंगे तो और परेशान होंगे। हाँ पुत्र, नहीं भूलूंगी। ध्रुव का दोस्त था जी राजबीर, वो ना आपके परिवार वालों की ना बुराई कर रहा था, और वो तो यहाँ तक कह रहा था कि हमारी यीशु ना उस ध्रुव के लायक नहीं है। वो लड़का ना आपके घर का भला नहीं चाहता, वो सही में ये चाह रहा था कि यीशु का और ध्रुव का रिश्ता ना हो। मैं तेरी माँ जैसी हूँ ना, मेरी बात नहीं सुनेगा? अरे कोई जरूरत नहीं मेरी मां बनने की। चली जाए यहां से। Let's get out! अब समझी, मेरे उस थप्पड़ का बदला वो मेरी ईशुती से ले रहा है। कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक गिर जाएगा, लेकिन अगर मेरी यीशु दी का रिश्ता टूटा तो मैं राजवीर को छोड़ूंगी नहीं। ये क्या हो रहा है पापा जी? कल तक जिस घर में रोके की तैयारियां चल रही थी, आज उस घर में उसको तोड़ने की बातें हो रही है, वो भी उस इंसान की वजह से जिसको हम सबने इतना मान दिया, इतना प्यार किया। शर्म आती है मुझे अपने आप पे कि मैंने ऐसे इंसान को अपने दिल में जगह दी जिसके पास खुद ही दिल नहीं था। क्यों किया है ऐसा पापा जी? परिवार से पहले भी खुशियां लौट चुकी, इस बार ऐसा कुछ मत करना कि मेरा परिवार टूट जाए। यीशु दी और ध्रुव जी की शादी टूटने मत देना पापा जी।